बैठ जाओ सभी लोग, आराम से गेट खोल लो, सुनो गेट खोल लो, अरे गेट खोल लो, मैं बोल रहा हूं हम पांच लोग जाएंगे सर, पांच लोग जाएंगे और आप फोटो का खा लो, काम कर रहा है भाई, गेट पे जाएंगे सर, हम लोग पहले तो आइए भैया, एक पॉइंट दूसरा, कानपुर के संदर्भ में बार बार बोल रहा हूँ आपसे, यदि आप लोगों ने कानून व्यवस्था में लेने का प्रयास किया तो आप तुरंत कार्रवाई भी होगी, इसमें कोई कोताही नहीं किसी प्रकार की। आप अपनी मांग मंगवाने आए हैं या नेतागिरी करने मांग मनवाने आए हैं, बिल्कुल पांच लोग अभी जो मैडम से मिलेंगे, आपका जो भी सम्मत कार्रवाई होगी, लेकिन रास्ता रोकना शासकीय कार्य बाधा है, बड़ा अपराध है, बाद में आप लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है सर, पांच लोगों के नाम दिनेश, गोपाल सर, अरे हम नहीं, पांच नाम गोपाल सर, चले दिनेश ठाकुर, जितेंद्र सर, होंगे सर, नागेश्वर, गोपाल सर, गोपाल सर, सेवा सर हो गए सर, बैठ जाए बैठ जाए, चौहान सर कहाँ गए, चलेगा चलेगा, एक महिला चलेगा ना, एक चलेगा, प्रीति मैम, प्रीति मैम चलेगा, प्रीति मैम, अरे प्रीति मैडम नागेश्वर कुमावत कर दो, नहीं जाने दो, पांच लोग ही जाना है, काम की बात करो, क्या मतलब राजनीति करो, राजनीति मत करो, उनको हटाओ, राजनीति करेंगे दो महीने बाद, तीन महीने बाद, देखो शांत रहो, शांत रखा हुआ पानी, जिसको बोतल हो, शांत रहो यार, शासन प्रशासन मदद कर रही तो थोड़ा उसका मानो यार, थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा आप शांत रहें,
कैंपर कितने हैं? कैंपर दो आगे तो दो तीन हैं वहाँ से भूख रहे हैं। सभी साथियों से हमारा अनुरोध है कि बैठ जाएं। शांत रहो, मदद करिए आराम से। सभी को लग रही है ऊपर वाले का तापमान तो सबके लिए एक सा है। जी सर, कोई एक वर्दी पहना तो सुकम लगेगी आपको। नहीं सर, आपकी कैप तो होगी ना, कैप तो रख लीजिए। नहीं, हम लोगों के साथ सब बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ के हो सर? उज्जैन से। उज्जैन से, कटनी से, सीहोर से, पूरे एमपी से। पूरे एमपी से। वो तो आपको भी पता है सर कि सारी जनता एक साथ एक खड़ी नहीं होती। नहीं, सरकार तो कभी इसकी गलत नहीं करती, पर हम लोगों ने इसी चीज के लिए सर पॉइंट में क्यों आए नंबर माइनस मार्क डिलीट कर दिया है। जिसमें किसी के भी नंबर बढ़ जाते किसी के पॉइंट में कैसे आएंगे नंबर? ये नॉर्मलाइज़ है, किसी के कम हो जाते किसी के बढ़ जाते। इतना कॉम्प्लेक्स लोग के समय में सिंपल एग्जाम हुआ था, नंबर आ गए क्लियर है, हो तो अंदर हो नहीं हो तो बाहर। सर एक दिन में पेपर होने के बाद में नॉर्मल नंबर सुन रही है। बस बातचीत हो रही है, सुनने तो दीजिए। जी सर, जी सर। भाई कोई भी आवाज ना निकाले, थोड़ा वेट करिए थोड़ा। कोई क्या संविदा वाले नहीं, संविदा में लगे हुए सब प्रेशर है पूरे। मेरी पात्रता परीक्षा में जो बाटल सीधा गली में चला वीडियो बने उठा उधर देखो ना, जो बोल रहा हूँ लाइट पे जल रही है। क्वेश्चन गलत हुए सर, वो सेटिंग करके अरे यार भैया बात ही बात कर लेना है। Thank you.
ये कमेंट करने वाले चूड़ी पहनने वाले चूड़ी पहनने वाले क्या इसके जो आस पास में थे उनको आने के लिए बुलाने की पता तो गए कौन अभी तो उनको इधर आ जाए उनको उधर करो बोतल को बाहर रखवा दे रहे हैं अपनी बोतल में भर लो पी लो आप लोगों ने इनको एक काम करो इधर से उठा के दे दो ये जो खुलवा दिया ना ये निकलवा दे ये खुलवा दे इसी में से निकाल देते हैं ना बोला रहता बोला ये बटन वाले निकाल ये खड़ा ये पानी की बोतल बाहर पानी की बोतल निकलवा दो बोतल बाहर लो उठा ले अंदर मत जाओ मत कुल लगा दो मैंने हिंदी और उठा ला एक दो और उठा लो एक दो और उठा ला हेलो ये भी निकाल देना है साथ एक साइड में तुम भी एक तरफ आ निकाल ये निकाल दो दादा तुम पहले हैं तीनों और निकल जाओ तुम ये निकाल दो तीनों पहले निकाल दो उठा लो यार निकाल निकाल ऊपर से दो निकाल
टेम्पर रखे उधर उधर उनको पड़े ना लगा टेम्पर रखे हुए उनको पड़े ना क्या ये क्या मतलब क्या वो एक अरे बाहर के टेम्पर लगे पड़े आप कहेंगे रूलिंग दिखा दिया साफ तौर पर लिखा है अगर आपके मार्क 0.5 के ऊपर आते हैं तो उस पर एक मार्क नहीं किया मैडम आगे सर मामा जी मैडम जो लोग कोड नहीं जा पाएंगे बात नहीं है यार ये गूगल बातें यार ये सब बातें क्यों कर रहे हैं यार स्टूडेंट पॉइंट पॉइंट बात कर रहे हैं सर क्वेश्चन की बात करिए सर मेन तो वही है उसका खामियाजा कौन भरेगा सर मैं मैथ्स वाला तो मैं ही हूँ अभ्यर्थी सीधी सी बात एक लाइव एग्जांपल है सर इकोनॉमिक्स के भी खड़े मैम तो फिर क्वेश्चन वाली लीगल बात है सर मेन है नहीं मिली है सेंड कर दो अगर मिली होगी नहीं करेंगे स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ मैं कोर्ट के लिए कोर्ट के बिना होगा नहीं ठीक है आप लाइव हो गए
इधर इधर हाँ गलत क्वेश्चन का जवाब दे दें बस। मेरी गलती नहीं है कि मैं पेपर में गलत क्वेश्चन आए थे, मैंने साल भर प्रिपेयर किया था और मैं 5 नंबर से रह गया। पहुंच गया ना तुम्हारा साथी। अरे बात क्या रख रहे सर, एक कोई को रिप्लेस करो। जाके खड़े हो जाते हैं सर, आप बात रखिएगा थोड़ा, आप जाइएगा एक किसी को बाहर भेजो। सर को बात फालतू खड़े उनको बुला लो बाहर। हाँ ऐसे कमरा अलग अलग बातें कर रहे हैं ना, मुझे तो बात ही नहीं था, कोई भी बाहर आ जाए। हाँ बस सीधी बात, कोई बात करो ना यार, लबन लबन क्यों हो रहा है? अभी परीक्षा में 40 है ना, 35-40 ही है। इस परीक्षा में ऐसा क्या होगा? 10 परीक्षा वही तो बोल रहे हैं। फिर अरे उनका हित का कुछ हो जाए यार, सर्व दयावान। पाँच मिनट रुक जाओ, बस हो जाए भाई। क्या हो रहा है सर? सुनवाई के लिए तैयार है लेकिन अभी फैसला नहीं दे रहे हैं। तो कब फिर वही बताला में लीगल डेट निकल जाएगी? एक दिन रुक जाएंगे सर, तो बढ़नी पड़ेगी। रुक जाएंगे सर, इससे अच्छा तो बाहर से आए। व्यापन तो बहुत बार दे दिया, एक दिन रुक जाएंगे। बहुत ज्यादा दे दिया व्यापन वाली बात। क्या बोला है? क्या बोल रहे हैं बच्चे? भैया देखो, हम लोग तो लगे हुए हैं और आपको सामने दिख रहा होगा, पूरी पुलिस फोर्स के साथ में मैडम के साथ बात हो रही है, पूरी पीपी कंट्रोलर के सब लोग बाहर आ गए हैं। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आप लोग लगातार पर करोगे तुम बता दो तो अभी पीवी कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा बस 5 मिनट इंतजार कर लें, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि हम इस पर जो आपके विषय हैं मुद्दे हैं हम उस पर पूरी सुनवाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें सोचने समझने का जो नियम है कानून है उसके लिए काम करने का समय तो दे दो। वो आपकी मांगें पूरी करने के लिए तैयार, लेकिन जो नियम है उसके लिए समय मांग रहे हैं। तो चर्चा भी चल रही है, थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लो। आज जाना नहीं है, रक्षा मंत्री जी के पास चले गए जाऊंगा तो मैं बाहर करूंगा, बात हो जाए अपनी, अपन को यही ज्यादा बस।
कौन अंदर कौन भारत से क्या फर्क पड़ रहा वो तो कर लिया क्वेश्चन के ऊपर बन गया होगा होगा नहीं अरे वो मैडम के पास वो मैडम के पास वाला है ना वही है 40 50 थी वो नीचे कर दीजिए पीले वाले को बोलो बोलो मान गए और थोड़ा सा समय मांग रहे हैं बस 5 मिनट आप कॉपरेट करिए सारी जानकारी मिल जाएगी बस आज ही क्लियर होगा उसके बाद ही चलना है एक्टिवेशन होने के बाद ही चलना है सर यहीं सोएंगे रात में अच्छा और एक दो 30 सेकंड का एक मैसेज भी करना है सेंड जो घर पे बैठे हैं ठंडी हवा ले रहे हैं ना कूलर में सर चूड़ी को चूड़ी मैसेज चूड़ी देख हाँ चूड़ी खरीद लेंगे सर 5 रुपए तो पहले दे चूड़ी इनको देना है क्योंकि हमारे जो भाई बहन ये इनकी नहीं है कोई इनकी संतान नहीं है क्या सर सर थोड़ी देर रुक जाइए थोड़ी देर रुक जाइए उधर से काम इनकी भी माँ बेटी आज घर परिवार काजल देंगे काजल को काजल नहीं चूड़ियाँ चूड़ियाँ चूड़ियों टिक्की पहले सर चूड़ियाँ सारा कर लो बिंदी बिंदी इनसे बोलो पहले काम हो जाए दे दो उनको दे दे दीजिए सर तो यार 700 लोग देख रहे हैं देखिएगा हमारे उन भाई बहनों के लिए भी एक बार देखें जो आपकी लड़ाई लड़ने आए ये सभी वही युवा हैं जो आपकी लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं वास्तविकता में जो 700 यहाँ 700 लोग लाइव देख रहे हैं देखें थोड़ा सा यही वास्तविकता तुम्हारी लड़ाई लड़ने आए ये देखें इसमें हमारी बहनें भी हैं हमारे भाई भी हैं जो घर बैठे हैं वो चूड़ी पहने तुम क्या घर में क्या कर रहे भैया आलू छिड़ तो बोलो बाप यहाँ आना चाहिए ना बिल्कुल तो बैठ के बाहर रोटी खा पहन लेना चूड़ी बता चूड़ी चूड़ी पहनो काले दे दो अपना मुंह काला कर ले घर पे बैठ दी भोपाली भोपाली अरे सभी को आना चाहिए बहुत सारे पास में सर ये लोग क्या है ये लोग उनमें से हैं जो दूसरा कमाए और हम खाए मुंह मारने वालों में से हैं कमाए कोई और फल खाए हम हमसे पहले फॉर्म भरने जाएंगे नियम लागू होते हुए सर होते ही तुरंत दौड़ेंगे सर्वर डाउन करेंगे हम तो यही के यही बैठे रह जाएंगे ऐसे लोगों में से यही तो प्रचार है ना तभी तो सरकार ऐसी नियम बदलती रहती है और सब करप्शन होता रहता है ऐसे गद्दारों को सलाम तुम हमेशा गद्दार करना वो इंसान हो जो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हो जिंदगी में किसी के लिए क्या करना अरे गद्दारों सलाम गद्दारी आज उपस्थित होना चाहिए ये जो लाइव देख रहे हैं ये सिर्फ दूर से मैसेज लाइव भी भोकने वाले हैं ये सामने नहीं आ सकते कर रहे हैं काम करो कुटिया पे इनके पेट और आराम से अरे वो चाटू और कुत्ते क्या खिलाएंगे चलो तो 800 हो गए इसी बात पर 800 लोग देखने लगे हैं मतलब क्या बोलूं मैं अब आपको जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं यही आपके सवाल करेंगे यही आंसर देंगे थैंक यू सर
बेटा इनको पकड़ा देना सर को, ये अरे नहीं कोई नहीं। बोले क्या मुद्दा है, किस लिए आज हमारे भोपाल में आज आप उपस्थित हुए हो? नहीं, हम लोगों का ये आंदोलन यहाँ पे चल रहा है, ये जो कर्मचारी चयन मंडल यहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये जो चयन नहीं है, ये बाहर करने वाला मंडल है। जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, जो वास्तव में अच्छी पढ़ाई करते हैं, ये सरकार पूरा पक्षपूर्ण व्यवहार कर रही है। अभी हमने बताया कि किस तरीके से इनका जो पेपर हुआ वर्ग एक और वर्ग दो में, किस तरीके से पेपर बनाते टाइम इनकी त्रुटियां सामने आई हैं, इसको लेकर यहां पर आए हैं। 40% और 50% की मांग को लेकर हम लोग यहां पर आए हैं। अच्छा सर, एक बात और, एक क्वेश्चन और है, कर रहा है हमारा। आपने डीएड बीएड किया है? नहीं, मैंने नहीं किया। आपका कोई शिक्षक भर्ती से लेना देना है? नहीं। मैंने कोई डीएड बीएड किया है? नहीं। मेरा कोई शिक्षक भर्ती से दूर दूर लेना है? नहीं। फिर हम लोग क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, कि मैं बोला कि जो पुलिस भर्ती में चुप बैठे थे उनके साथ अन्याय हुआ, तब हम चुप बैठे थे, आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वो चुप बैठे। यही अगर चलता रहा तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। हमारा इंसानियत बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि जब भी कोई गलत हो, अन्याय हो, उसके खिलाफ में लड़ेंगे हम। हमने भगत सिंह को पढ़ा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा है, तो वो ही अकेले गुलाम नहीं थी, देश की जनता भी गुलाम थी, लेकिन वो क्यों लड़े? इसी तरीके से हम भी लड़ेंगे, भले हमारा कोई हो, जब भी कोई अन्याय होगा, अत्याचार होगा, हम लड़ेंगे, ये हमारी बात है। सर मैं एक जो पात्रता परीक्षा जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आज पात्रता परीक्षा पास कर ली है, वो आज हमारे समर्थन में नहीं है, जहाँ तक ठीक है, लेकिन आज वो हमारे विरोध में है। तो मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि कल अगर कभी चयन परीक्षा में धांधली हुई तो आप किसका सहारा लोगे? बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सरकार तो हर परीक्षा में धांधली कर रही है, तो कहाँ तक ये आपके लिए संभव है कि चयन परीक्षा में नहीं धांधली करेगी? अगर चयन परीक्षा में धांधली हुई तो आप किसका सहारा लोगे भाई? आज हमारे विरोध में आप हो, समर्थन नहीं करो वहाँ तक ठीक है, लेकिन आज हमारे विरोध में हो तुम, तो तुम्हारे साथ कौन खड़ा रहेगा फिर? धन्यवाद सर। अरे भाई आप लोग थोड़ा इधर हो जाइए, फैल जाइए, अपन चर्चा कर रहे हैं इस पे, थोड़ा सा रास्ता ना रुके बस। चलो साइड में होते अब यहाँ कोई नहीं रहेगा, चलिए ज्ञापन की जिम्मेदारी जा रहा हवाई जहाज, ठीक है। चलो सर, क्या निकल अभी वो कुछ मैटर हमारा लेके अंदर गए हैं, वहाँ से जैसे ही कोई चीज़ बाहर निकल के आती है हम आपको लगातार ठीक है, और हम सब तो यहीं पर हुए हैं, कहीं और नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या है कि उन्होंने ज्ञापन लिया है जिसमें हमने सारे मांगे रखी है, जिसमें 40,000 रुपये का मुद्दा भी है, भी मुद्दा रहे उन्होंने बोला कि हम इस पर विचार कर रहा हूँ, 15 मिनट उन्होंने जवाब दे रहे हैं, 15 मिनट का इंतजार कर रहा हूँ, वो क्या बोलते हैं उसके बाद निर्णय लेंगे करना क्या, 15 मिनट में जवाब देंगे ना, ये 15 मिनट जवाब देंगे, उसको सुन लें, समझ लें, विवाद से बात कर लें। बात खोलने
ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा जो अभी वार्ता हुई है, मैं उसको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा कि अब यहाँ पर जो है प्रशासन ने भी हमारी मदद करी है। साथ में मैं दो शब्दों में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो 700 से 800 लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ESP है, जो ESP में ज्ञापन सौंपा गया है, साथ में ज्ञापन के अलावा यहाँ पर जो शासन प्रशासन है, इन्होंने बहुत अच्छे से मदद करी है और ज्ञापन सौंपा गया है। साथ में आदरणीय दिनेश सर के द्वारा जो सहयोग आप सबके लिए बना वो किया गया है, ज्ञापन सौंप दिया गया है। कंट्रोलर एग्ज़ाम कंट्रोलर को जो आपके 37% डिलीट हुए हैं उस पर भी उन्होंने मान लिया है कि हम बहुत जल्द आपके सामने इसके लिए जो है प्रशासन से जो गुहार हो सके, मतलब एग्ज़ाम जिस तरह से गलतियाँ करी हैं उसको सुधारा जा सके। जैसे आपका 150 नंबर का पेपर हुआ था, क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन थे कितने 150, तो 37% अगर यहाँ पर डिलीट होते हैं तो इस पर मांग की है कि या तो जो डिलीट करे गए हैं उनमें से जो है 150 में से या तो नंबर जोड़े जाएँ 37 नंबर के, या फिर वो जो डिलीट करे गए हैं तो बाकी के जो नंबर बचे हैं उसमें से जो है आपको ऐड किया जाए। तो ये यहाँ पर अभी निर्णय लिया गया है और बहुत जल्दी आपके सामने जो पोस्टेड डिलीट गए हैं इसका निर्णय आएगा। लिखित में दिया गया है ESP के द्वारा, जो गलतियाँ की थी उनने स्वीकार भी कर ली है कि हमें पता ही नहीं था अभी तक। तो ये जो है हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली हैं कि ESP ने यहाँ पर सीधे तौर पर इन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द आपके सामने अपनी गलतियाँ हैं उसको सुधारेंगे, आप जो 37% डिलीट करेगा उसके बारे में, साथ में जो अन्य विषय हैं किसी में 13 क्वेश्चन किसी में 22 क्वेश्चन है, तो जो अलग अलग क्वेश्चन हैं तो इसी में जो है क्या किया गया है डिलीट कर देंगे। तो इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि जो शासन प्रशासन है इन्होंने भी बहुत अच्छे से मदद करी है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपकी जो प्रश्नों वाली बात है कि 37 क्वेश्चन है जो गलत आए हैं उस पर भी यहाँ पर ESP ने बोला है, एग्ज़ाम कंट्रोलर से बात हुई है, हम निर्देशक से बात करने जा रहे हैं, साथ में अब क्या आगे की रूपरेखा है वो भी हम आपको बताते हैं। तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार शेयर कर देना और बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर ज्ञापन प्रक्रिया रखी गई है, ज्ञापन सौंपा गया है, इसमें ESP के द्वारा भी जो है कहा गया है कि जो हमसे गलती हुई उसको सुधारने का समय दिया जाए और ज्ञापन प्रक्रिया भी हो गई है, ज्ञापन भी सौंप दिया है, उनने समय मांगा है। तो अभी आगे क्या रणनीति है वो हमारे समस्त शिक्षक मिलकर बताएंगे, क्योंकि अभी हमारे समस्त अभ्यर्थी अर्थात शिक्षक एक जगह बैठकर निर्णय लेने वाले हैं आगे क्या डिसीजन है, क्योंकि ESP ने ज्ञापन दे दिया है, एग्ज़ाम कंट्रोलर से भी बात हो गई है, साथ में अब क्या आगे की रूपरेखा है वो भी हम आपको बताएंगे। और आपकी मांगें यहाँ पर उचित हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया, मतलब जितना पुलिस प्रशासन में जो यहाँ पर यहाँ तक कि पुलिस कांस्टेबल से लेके DSP रैंक के जो अधिकारी थे
इन्होंने भी यही कहा है कि हाँ ये आपकी मांगे हैं जो बिल्कुल सही हैं और आपकी ये मांगे जो है पूर्ण होना चाहिए तो और होंगी भी और हमारे जितने शिक्षक हैं वो भी इसके लिए संतुष्ट हैं क्योंकि अगर नहीं होता तो अभी फिर से अभी बैठ के निर्णय लिया जा रहा है और आगे की देखिए अगर कुछ शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं तो ये भी कुछ बात रखना चाहेंगे बताएं सर। अभी अंदर गोपाल सर प्रमोद सर और नामदेव सर अंदर सब वही बात करें और अभी एक घंटे का समय दिया उन्होंने जो भी नियम है पूरा उनको पढ़ के उनके बाद में जो सोल्यूशन देंगे वो हम वो बताएंगे। अभी हम एक घंटा वेट करेंगे अभी हम इधर पार्क में जा रहे हैं बैठने के लिए आराम करेंगे थोड़ा बहुत दो घंटे से हम धूप में बैठे थे और अंदर से कुछ अधिकारी आए और पांच लोग अंदर बुलाया गया और उनसे बात किए 15 मिनट और उनको बोला कि हम एक घंटे में जो भी निर्णय होगा उचित वो देंगे और हम हमको कहा गया है कि अभी आप पार्क में बैठे ठंडे को छाँव में बैठे और आराम करें हम एक घंटे में आपको पूरा जानकारी निकाल के देंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ जो बंदे आंदोलन में नहीं आए वो चूड़िया पहन ले और एक टिक्की लगा ले घाघरा पहन ले बेईमानों के मुंह तुम्हें हमें धोखे में डाल दो मान लो करता आंदोलन को तो पटांग नहीं हो आप हकीकत तो आपके बाप के अगर मैं बात करूँ देखो एक आप शिक्षक के तौर पर ये है कि हमारी लड़ाई जैसे अगर बहुत सारे लोग नहीं आ पाए तो उनके लिए हमारा यही कहना है कि कभी भी अगर साथ देने की बात आती है तो खुलकर साथ दिया करो क्योंकि जो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती है ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है सभी समस्त अभ्यर्थियों की है और आप लोग एजुकेटिव हो मुख्य बात तो ये है कि आप शिक्षक हो और इसके अलावा आप एक समझदार एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं आपको शिक्षक बनना है तो आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा ठीक। और अभी सभी एकत्रित हो रहे हैं जी बताएं मैं कहना चाहता हूँ देखो ये लड़ाई हम सबकी है सबकी लड़ाई है और ये सोचोगे कि यार वो जा रहा तो मैं नहीं जाता हूँ मेरा काम आ गया देखो काम सबके होते हैं और सबका काम होता है इसलिए लड़ाई अपनी है तो अपने को आना पड़ेगा। आप सोचोगे यार वो जा रहा तो वो नहीं आ रही है वो नहीं जा रही है तो मैं क्यों जाऊँ वो जा रहा ठीक है वो बता देगा ऐसा करो फिर कैसे चलेगा ये सरकार अपने पर तानाशाही करती रहेगी और ऐसे कैसे गुमराह करती रहेगी इसलिए सबको आना पड़ेगा वो जमीन पर उतरना पड़ेगा तभी अगर ऐसा सोचा हो तो भगत सिंह चंद्रशेखर ने ऐसा सोचा हो तो आज अपना देश आज़ाद नहीं होता इसलिए आज अपन कम से कम पैदल चल के एक मार्च तो निकाल सकते हैं। पहले लोग तो पता नहीं कितने कितने साल तक जेलों में पड़े रहे होंगे कितने दिन घोड़े मारे गए वो कैसे लड़े होंगे कैसे आज़ाद कराया होगा मेरा तो ये कहना पड़ता कम से कम 7 भोपाल तक तो आ सकते हो ना ज़्यादा कम से कम 2-1 दिन का समय निकालो पर आओ जरूर हक के लिए लड़ो तुम पढ़े लिखे लोग हो डिग्रीधारी लोग हो कम से कम खुद के हक के लिए लड़ सकते हो जो गलत हो रहा हो सबको दिख रहा है फिर भी आप घर बैठे अंदर छुपे हो व्हाट्सएप की दुनिया में व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में खोए हुए हो उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है इसलिए मेरा यही कहना पड़ता है सभी व्यूअर से कि जमीन पे आओ और लड़ो हक के लिए आवाज़ उठाओ ये मेरा कहना धन्यवाद। चलो तो देखें बहुत सारे शिक्षक हैं आप सभी से यही मांग रखते हैं कि हमारी मांगे हैं जो पूर्ण हों और आप सभी का सहयोग मिले इसलिए और अभी 2 घंटे का जो समय यहाँ पर कहना चाहिए दिया है कि 2 घंटे के बाद आपके सामने निर्णय आ जाएगा और इसमें अगर 2 घंटे में अगर कुछ नहीं होता है तो हमारे समस्त शिक्षक यहीं हैं और पूरा निर्णय भी लेंगे ठीक है। तो आपको बने रहना है और एक बार शेयर कर देना है स्टेटस में लगा देना है क्योंकि आप नहीं आ पाए कोई बात नहीं लेकिन आपने अपनी जो है आपकी जो विषय है उसको तो रख पा रहे हैं आप कम से कम आप शेयर तो कर सकते हो। दिनेश सर आपके लिए क्या कुछ नहीं करते हैं दीप्ति सिंह अकेडमी आज सड़कों पर है तो ये आपको सोचना चाहिए कि हम आपके विषयों को लेकर अर्थात यहाँ पर आए हुए हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि क्या हुआ है और पूरा निर्णय अभी हम अलग से बांटा अभी तो पूरी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और जैसे डिसीजन आता है 2 घंटे का समय मांगा है इन्होंने हमसे 2 घंटे में आपकी जो गलतियाँ हैं उसको सुधार दिया जाएगा लेकिन वो सुधार कैसे होगा नियमों के आधार पर होगा। तो एक बार और हमारी टीम अर्थात आदरण दिनेश सर और मैं खुद सुरेंद्र पाठक सर हूँ आपके सामने लाइव आके आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कि क्या क्या आपका जो है मांगे थी क्या पूरी हुई हैं या फिर नहीं हुई तो ध्यान में रखना है ये हमारे समस्त अभ्यर्थी हैं और शिक्षक हैं जिन्होंने ये अपनी मांगे रखी तो एक बार शेयर कर दो समस्त अभ्यर्थी हैं जो परेशान होकर आते हैं देख सकते हैं आप पीछे समस्त शिक्षकों की जो यहाँ पर विषय है इसके लिए आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए सब आए हुए हैं तो ध्यान में रखना ये समस्त पूरे टीचर्स हैं जो पीछे आपके लगे हुए हैं। मैं नीचे आ गया हूँ कहाँ यहीं रैप में बैठे
तो बहुत बहुत धन्यवाद। मागी की जो है प्रक्रिया पूरी बताएंगे, अभी दो घंटे के बाद अभी डिसीजन आने वाला है, पूरी रूपरेखा बताएंगे आपको कि क्या होने वाला है और क्या क्या जो मांगे थी क्या पूर्ण हुई है कि क्या नहीं हुई, सारी जानकारी आपको अभी देने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत।